गाइज हम लोग शादी से आ चुके हैं घर पे, बहुत थकान हो गई थी इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। आने के बाद से थोड़ी बहुत जो रस्म होती है ना वो करा है, वो शेयर करूंगी। बाकी मैंने हेयर वॉश किया था क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था। जब भी मैं बाहर जाती हूँ और वहाँ से आती हूँ ना तो मैं हेयर वॉश जरूर करती हूँ। तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि आपकी आई लैश की तरह आपके हेयर भी एक्सटेंशन है, तो थैंक यू सो मच यार। मैं सच में झूठ बोल रही थी आप लोगों से, मैंने सच में अपने बालों में एक्सटेंशन कराया। मेरे बाल, मेरे सर पे तो बाल है ही नहीं, मैं तो गंजी हो चुकी हूँ। ठीक है, अब आप लोग खुद भी देख सकते हो कि मेरे एक्सटेंशन कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने एक्सटेंशन कराया कहाँ से, ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि एक्सटेंशन अटैच कहाँ से हुआ है। ठीक है, और जिनको लगता है ना कि एक्सटेंशन है वो लोग एक बार मेरी हेयर वॉश की वीडियो देखें। और मुझे तो शर्म आती है उन लोगों को प्रूफ देते देते, मैं थक गई हूँ, इतना परेशान हो चुकी हूँ कि भाई आप लोग को कब समझ में आएगा कि ये मेरे रियल हेयर है। ये रियल हेयर ना ऐसे नहीं है, इनमें बहुत पैसे खर्च हुए हैं, बहुत मेहनत लगी है तब जाकर के ये हेयर मुझे मिले हैं। ठीक है, और मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है अभी। तो जिनको लगता है ना एक्सटेंशन है, तो भैया अपनी आंखें खोलिए और हमारी जो लाइव वीडियो है ना हेयर वॉश की, उसको जा कर के देखिए आप लोग। ठीक है, मुझे एक्सक्यूज देना अच्छा नहीं लगता है। और अब मैं जा रही हूँ अपना सीरम लगाने के लिए, बिकॉज 28 को रिसेप्शन है। तो 28 को रिसेप्शन होने के बाद से हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे 29 को। तो मैं अपना सीरम लेकर आई हूँ, और जिनको अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट मंगाएं, जिनको विश्वास है वो मंगाएं, क्योंकि प्रोडक्ट एकदम से जादू नहीं करते हैं, टाइम लगता है। कोई भी चीज़ होती है ना एकदम से जादू नहीं करती है बालों के लिए। ठीक है, तो चलो मैं कॉम कर लेती हूँ, यहाँ लगा देती हूँ, कॉम का थोड़ा सा शूट कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए, फिर मैं सीरम लगाऊंगी। ठीक है, देख लो मैं अपनी कंघी तक लेकर आती हूँ। सो गाइज मैं अपनी कंघी भी लेकर के चलती हूँ साथ में। मेरे को ना और कोई कंघी समझ में नहीं आती है, तो आप देख सकते हैं मैं तीनों ही कंघी कैरी करती हूँ अपने बालों के लिए। और मेरा फैट इतना ज़्यादा बढ़ गया है इस प्रेगनेंसी में। कृष्णा के टाइम पे नहीं थी मैं इतनी मोटी, बट अभी मैं मोटी हो गई हूँ काफ़ी। और राजीश भी कह रहा है अच्छा लग रहा है, मैंने कहा नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी आप लोग के भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए थे कि दीदी आप मोटे हो गए तो सच में बहुत अच्छे लग रहे हो, आपके गल बल भर गए हैं तो आपका फेस बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो अब देखते हैं बेबी होने के बाद से क्या होती है कंडीशन। बाकी मैं अपना वेट रखूँगी कम से कम 50, क्योंकि जो मेरी हाइट है वो है 5, तो वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से वेट जो है ना वो सही होना चाहिए, तभी इंसान का लुक भी अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा पतले लोग भी नहीं अच्छे लगते। और सच में मैं खुद ही अच्छी लग रही थी, मेरा फेस वेस बहुत अच्छा लग रहा था, भरा भरा सा लग रहा था। यहाँ पर मैं ना बाल सुलझा रही हूँ क्योंकि ना शादी थी 24 तारीख की, और शादी के बाद मैंने अपने बालों में कंघी वंघी जो थी ना नहीं करी थी, मैं आ गई थी। तो ये है 25 तारीख का व्लॉग, जब मैंने अपने बालों में अच्छे से घर आकर, शादी के बाद घर आकर वॉश किया था। और वॉश करने के बाद से मैं अपने बालों में भी लगाऊंगी सिरम, जो कि मैं 2 दिन रखूंगी, तो 26 और 27 रखूंगी। 28 तारीख का रिसेप्शन है, तो वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी मैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और हाँ, अभी मेरा बर्थडे भी आने वाला है, किस किस को याद है मेरा बर्थडे वो ज़रूर बताइएगा। और देखती हूँ बर्थडे वगैरह पे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि आशीष की छुट्टी नहीं है और आशीष ने 9 डेज़ की ऑलरेडी लीव ली हुई थी, तो अब तो उनको ऑफ नहीं मिलेगा। बाकी देखते हैं क्या कुछ प्लान करेंगे, क्योंकि कृष्णा का बर्थडे भी ऐसे ही जाएगा, क्योंकि कृष्णा के बर्थडे पर मेरा 9 मंथ चलना शुरू हो जाएगा, सॉरी मेरा चलेगा 8वां महीना, 8 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो कहते हैं कि 8वें महीने में बेबी होना नहीं चाहिए, और बेबी सही भी नहीं रहता है होना, तो इसलिए मैं अवॉइड करूँगी, क्योंकि कृष्णा का बर्थडे 27 फरवरी को होता है, तो वो बर्थडे भी हमारा ऐसे ही जाएगा, क्योंकि 8वें महीने में घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। केवल डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी अगर मुझे रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ा तो। बाकी बस दुआ है कि अच्छे से सब कुछ हो जाए। जो हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छा है, देख सकते मेरे बाल कितने उलझ गए हैं, इसीलिए मैं अपने बालों में बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं करती हूँ, सिंपल सिंपल हेयर स्टाइल करती हूँ, क्योंकि यार सर पे बाल होने चाहिए। फैशन और मेकअप इन सब चीज़ों से इंसान खूबसूरत लगे, अगर नकली बाल लगाने पड़े तो क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। तो मैं इसीलिए आप लोग को हमेशा सजेस्ट करती हूँ अपने बालों का ध्यान रखिए, अपने अपने बालों से प्यार करिए, अपने हेयर से, अपने स्किन से। और स्किन पे भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मत लगाइए। आप लोग कहेंगे तो मैं डेली ब्लॉग्स डालना शुरू करूँगी, सुबह से लेकर रात तक का रूटीन। और व्लॉग कभी भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है। और मैंने आई लैस एक्सटेंशन करवाए थे, आप लोग के साथ में शेयर किया है मैंने, तो बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया, बहुत सारे लोग रेट भी पूछ रहे थे, तो ये 6,500 रुपये का हुआ था, और अच्छा है काफ़ी। मेरी आई लैश और मेरे हेयर की एक
खास बात ये है कि ना तो मेरी आई लैश फॉल होती हैं जो नेचुरल वाली हैं, क्योंकि जो आई लैश एक्सटेंशन होते हैं ना वो आई लैश पे ही किए जाते हैं, जो आपकी रियल आई लैश होती हैं, ठीक है ना, उस पे ही किए जाते हैं। इस वजह से अभी मैं लखनऊ जाऊँगी आफ्टर डिलीवरी अप्रैल में, तो मैं एक बार करवाऊँगी, और जहाँ से मैं करवाऊँगी ना उनसे आप लोगों के साथ में थोड़ी सी बात भी करवा दूँगी, तो आप लोग जो मेन मेन क्वेश्चंस होंगे जो बहुत पहले लोगों ने किया है मेरे से आई लैश एक्सटेंशन वाली वीडियो में, तो जिन भैया ने करा है मेरा उनसे ही मैं आप लोगों की डायरेक्ट बात कराऊंगी, व्लॉग डालूंगी और आप लोग खुद भी सुन लीजिएगा। तो मेरी ना आई लैश और हेयर फॉल बहुत कम होता है, क्योंकि ना मैं शुरू से ही बहुत ध्यान रखती हूँ, और मैं काजू और बादाम डेली लेती हूँ, बट अभी मुझे बीच में प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से मैंने बादाम बंद कर दिया था, बट काजू मेरा फेवरेट है और मैं काजू हमेशा लेती हूँ, इनटेक करती हूँ, तो उससे आई लैश आपकी बहुत अच्छी रहती है, हेयर और नाखून बहुत अच्छे रहते हैं आपके। तो आप लोग भी चाहे तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि यार देखो करने से ही होता है, नहीं करने से तो कुछ नहीं होता। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी आप प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते हो, मैं भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले बेबी है, क्योंकि मैंने 4 महीने तक रोटी नहीं खाई है, आप लोग समझ सकते हो मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि मेरी वीडियोज़ भी नहीं आ रही थी, और अभी मैं ठीक हूँ, तो अब आप लोग के साथ में डालूंगी वीडियोज़ वगैरह सब कुछ डालूंगी। तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉगिंग वगैरह भी शुरू करूँ, मेरे पास में कोई बंदा नहीं है मेरी केयर के लिए कि कोई बंदा हो जो मेरे स्टैंड को या मेरी वीडियो को शूट कर दे, क्योंकि ना देखो आराम से चलना भी होता है सारी चीज़ें देखकर, जब बंदा सिंगल होता है तो सारी चीज़ें कर लेता है, बट अगर आपका शरीर दो शरीर है तो दिक्कत करता है ना फिर, वो आप जल्दी जल्दी भाग नहीं सकते, जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकते हो। अब क्या था पहले कि पहले मैं स्टैंड इधर से उधर रख लेती थी, कर लेती थी, अभी क्या है कि बेबी है और बेबी का भी वज़न बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, वेट बढ़ रहा है ना, मेरे भी शरीर का वेट बढ़ रहा है, फिर पानी भी होता है बॉडी में यूट्रस में, तो सब चीज़ों का वेट होता है, तो मैं जब उठती हूँ ना बेड से तब भी मुझे बहुत दिक्कत होती है। वैसे तो जब आशीष आ जाते हैं तो वो हेल्प कर देते हैं, बाकी मैं सोचती हूँ कि भाई जब दिन में मैं सारा टाइम काट लेती हूँ अपना, तो रात में उनको क्यों परेशान किया जाए, तो फिर मैं अपना धीरे धीरे मैं लेफ़्ट कॉर्नर में ही सोती हूँ, तो मैं अपना आराम से उठ जाती हूँ, फिर दिक्कत नहीं होती है मुझे। और फेस पे भी बहुत सारी चीज़ें मत यूज़ करिए, क्योंकि ना पता क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है ना कि आप बहुत गोरे हो या काले हो या फिर सांवले हो, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, अगर आपके फेस पर झुर्रियाँ, रिंकल्स, पिगमेंटेशन ये सब आ जाते हैं ना तो आपका फेस ख़राब हो जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने से अच्छा है आप एक चीज़ यूज़ करो, DIY यूज़ करो, लिपस्टिक कब लगाओ जितनी मर्जी उतनी लगाओ, लिपस्टिक से कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी अगर होंठ पिगमेंटेशन भी हो जाते हैं, काले भी हो जाते हैं, तो उसके लिए आप लिपस्टिक लगा कर उसको कवर कर सकते हो। मेरी फेवरेट है लिपस्टिक, मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है और मैं लिपस्टिक हमेशा लगा कर रखती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती हूँ, कभी कभी लगा लेती हूँ, है ना, कहीं जाना भी होता है तो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, जूड़ा बना लेती हूँ, या फिर आप लोगों ने देखा होगा चोटी कर लेती हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरे बाल पहले से कितने अच्छे हो गए, बट मैंने ना अपना एक काम गलत किया था, इसीलिए मेरी ना वीडियो भी नहीं आ पाई पूरी अच्छे से, नहीं तो मैं लखनऊ जाती तो मैं बनाती। आशीष ने मुझे बोला वहाँ शादी का घर है तुम कहाँ वीडियो बना पाओगी, बट जब मैं वहाँ पर गई तो मम्मी ने मुझे एक सेपरेट रूम दे दिया था, वॉशरूम और रूम, क्योंकि ना इन्फेक्शन का डर था, इसलिए उन्होंने बोला था कि तुम अपना सेपरेट रहो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, फिर शादी ब्याह में क्या होता है ना प्रेगनेंसी चल रही है एक तो, और फिर बहुत सारा सामान इधर उधर 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 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या था कि जैसे मशीन भी ऊपर ही थी कपड़े वाली, तो मैं अपना मशीन वगैरह में कपड़े वगैरह वॉश कर ले रही थी, आशीष ऊपर ले जा करके डाल आते थे, मेरा बहुत ध्यान रखते थे, और भी मतलब भाई भाई थे, बुआ की लड़कियाँ, मौसी की लड़कियाँ, ये लोग बहुत अच्छे से हेल्प कर रही थी मेरी, कपड़े सूख जाते थे तो उठा कर ला कर दे देती थी, और अच्छे से हम अपना ऊपर रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी मुझे, है ना। तो शादी ब्याह में तो मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा, बाकी मैं स्टैंड नहीं ले गई इस वजह से वीडियो वगैरह नहीं आ पाई, नहीं तो ना वीडियो आ जाती। बाकी अब तो मैं यहीं पर हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। मेरे को कह रहे हैं लोग नकली बाल हैं। इससे कह रही हो ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स मिल रहा है, बहुत अच्छा सीरम है ये।
एक बार बॉटल्स में दिखा देना सृष्टि, फेस मत दिखाना अपना, फेस कल दिखाएंगे बस। ठीक है, ये वीडियो मैं कल डाल दूंगी ना, फेस तुम्हारा रिवील करेंगे रिसेप्शन वाले दिन। सो गाइज यहाँ पर मैंने अपने सीरम लगा लिया, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, लव यू, टेक केयर।